दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है घंटा का आइकन उसको ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिले, आपको SMS मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पर हमने पढ़ा था सीता के साथ राम का विवाह, लक्ष्मण के साथ उर्मिला का विवाह, भरत के साथ मांडवी का और शत्रुघ्न के साथ श्रुतकृति का विवाह, राजा जनक और उनके भाइयों की पुत्रियों के साथ। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है जब चारों भाइयों का विवाह हो गया, उसके बाद विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान, राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में शुभाशुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन। तो दोस्तों उस समय दहेज एक गिफ्ट हुआ करता था जो वर पक्ष को दिया जाता था, लेकिन कोई किसी पे डिमांड नहीं करता था। ठीक है, कोई मांगता नहीं था, लोग अपनी मर्जी से देते थे। और कोई भी नियम का अगर आप फायदा नहीं उठा रहे, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, तो वो नियम ही होता है, वो गलत नहीं होता। उसके बाद तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र, राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर, हिमालय की शाकाभूत पर्वत पर जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, वहाँ चले गए। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदयराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय विदयराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गोए, कितनी अच्छी अच्छी कालीने तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100-100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सबके अतिरिक्त राजा ने उन सबके लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले हुए पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश, राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्र, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रख कर जाने लगे। उन सबको देखकर राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक और तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं, ये अशुभ और शुभ दो प्रकार का शकुन कैसा? ये मेरे हृदय को कंपित किए देता है, मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। राजा दशरथ का ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है ये बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप ये चिंता छोड़िए। इन लोगों में इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि वहाँ बड़े जोरों की आंधी उठी, वो सारी पृथ्वी को कपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से अच्छन्न हो गए, किसी को दिशा का भान ना रहा। धूल से ढक जाने के कारण वो सारी सेनाएं मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ की ही चेत रह गई, शेष सभी लोग अचेत हो गए। उस घोर अंधकार से राजा की वो सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। उस समय राजा दशरथ ने देखा क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते हैं, उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्तर प्रतीत होते थे। तेजोमंडल द्वारा जाज्वलमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और
हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्मर्षि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। क्या अपने पिता के वध से अमर्ष के वशीभूत हो ये क्षत्रियो का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियो का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनके बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है, अतः फिर क्षत्रियो का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम जी को अर्घ्य लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। क्षत्रियो की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि कुमार परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारना। दशरथ नंदन श्री राम, वीर सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। तो दोस्तों, परशुराम जी को क्यों नहीं पता कि राम किसके अवतार हैं या कौन है? क्या ये जानने की शक्ति नहीं थी परशुराम में? क्योंकि उस धनुष का तोड़, या फिर शायद राम कोई अवतार नहीं है, उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। यह है वो जमदग्नि कुमार परशुराम को भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, ये देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्प्रियनीय होगा। परशुराम का ये वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, आप श्रद्धा और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अवदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो। कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। माँ मुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहे मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दिया था। कुकुच्चनंदन, जिससे त्रिपुरा का नाश हुआ था, वो वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष ये है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही यह वैष्णव धनुष है। कुकुच्चनंदन, यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में अधिक बलशाली कौन है। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल और त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। तब ऋषि समूह तथा चरणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की, फिर वे दोनों वहां शांत हो गए।
भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मान लिया। तो दोस्तों भीष्म पितामह ने भी कहा था युधिष्ठिर से कि विष्णु ही सनातन भगवान है, शिव जी सिर्फ वरदायक देवता है, भगवान विष्णु ही सनातन है, श्रेष्ठ है। तदनंतर कुपित हुए महा यशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजसी देवरात के हाथ में दे दिया। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। फिर महा तेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार की भावना से रहित अपने पुत्र और मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में ये दिव्य धनुष दे दिया। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे उस समय प्रकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कार्तिवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। पिता के इस भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों को अनेक बार संहार किया। श्री राम फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप में ये सारी पृथ्वी दे डाली। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहाँ तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहाँ से शिव जी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। श्री राम इस प्रकार वो महान वैष्णव धनुष मेरे पितामह के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रख कर उस उत्तम धनुष हाथ में लो और इस शेष धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें दंड युद्ध का अवसर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोक बाण के द्वारा परशुराम के तप प्राप्त पुण्य लोगों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना। दशरथ नंदन श्री राम जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोच बस वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन ब्राह्मण अपने पिता के ऋण से उत्तीर्ण होने की पिता के मार डालने वाले वध करके बैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संगार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है जो आपने किया है, और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। भार्गव मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसीलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनित रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ समान कर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा आप मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वो उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वो उत्तम धनुष और बाण ले लिया। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, भृगुनंदन राम आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संगारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। राम मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोगों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि आपने अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला ये दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रु की नगरी पर विजय पाने वाला है कभी निष्फल नहीं जाता है। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ एकत्र हो गए। गंधर्व अप्सराएं सिद्धचारण किन्नर यक्ष राक्षस और नाग भी उस उत्तम अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहाँ आ पहुँचे। जब श्री रामचंद्र जी ने वो श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया उस समय सब लोग आश्चर्य से दंडवत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम को श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीरहीन हो जाने के कारण
जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, पूर्वकाल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। कुकुत्सुकुल नंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर निवास करता हूँ, क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट ना करें। मैं मन के समान वेग से अभी महिंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा, परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है उसी को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। शत्रु को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देखते रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। कुकुत्सुकुल भूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई ये मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्रीहरि ने मुझे पराजित किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। उसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने वो उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोगों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देख परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाते ही समस्त दिशा और उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों से देवता उत्तम आयुधारी श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित और प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। नेक्स्ट चैप्टर, राजा दशरथ का पुत्र और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना, श्री राम के प्रताप से सबका संतोष और सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम। जमदग्नि कुमार परशुराम के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांतचित होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वो धनुष वरुण देव को दे दिया श्री राम ने। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विफल देख उनसे कहा, पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायक तत्व में सुरक्षित ये चतुरंगिनी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। श्री राम का ये वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए ये सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंदमग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पूर्व जन्म हुआ माना। तदनंतर उन्होंने सेना की नगरी को और कूच करने की आज्ञा दी और वहाँ से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। उस समय उस पुरी में सब और ध्वजा पताकाएँ फहरा रही थी। सजावट से नगरी की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था जिससे पुरी की सुरभ्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखरे गए थे। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की आगवानी की। अपने कांतिमान पुत्र के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर और गगनचुंबी था, उसमें प्रवेश किया। राजमहल में सज्जनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटिप्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियाँ थीं वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गई। तदनंतर राजपरिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला और कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और सुतकृति को सवारी से उतारा। कुशध्वज राजा जनक का भाई था और कुशध्वज की कन्या थी मांडवी और सुतकृति।
इनका विवाह भरत और शत्रुघ्न से हुआ था, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और मंगल गीत गाती हुई उन वधुओं को घर में ले गई। वे प्रवेशकालिक होमकर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन वधुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नववधु रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब के सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुनंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, बेटा ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजवीर युधाजीत तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। दशरथ की ये बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे नश्रेष्ठ सुरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम और सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहाँ से चल दिया। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजीत ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके वे नगरवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय और हितकर कार्य करने लगे। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तमशील और सद्व्यवहार से उन राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। राजा के उन चारों श्री राम सभी मनुष्यों को संतुष्ट रखने लगे। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान हैं, श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनुष्य भी श्री राम का मन भी सीता में ही सदा लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया, मतलब आप समझ सकते होंगे, ठीक है। सीता विहार करना का मतलब है कि समागम करना या संभोग करना। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पतिव्रत आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति आधिकारिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके प्रति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। जनक नंदिनी मिथिला नरेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में देवांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। उसके बाद एक चित्र है, उसके बाद नेक्स्ट अयोध्या कांड शुरू होगा और चैप्टर है श्री राम का सद्गुणों का वर्णन, राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार तथा विभिन्न नगरों जनपदों के लोगों को मंत्रणा के लिए दरबार में बुलाना।